ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन क्लास प्लस 2 का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताया था कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या हैं और कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन के अंदर मैंने एक टर्म आप लोगों को डिस्कस करवा दी थी जिसका नाम है मोलैरिटी। आज हम थोड़ा मोलैरिटी को फिर से जानने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियरिटी हो। मोलैरिटी, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैं आपको एक सॉल्यूशन दे देता हूँ, उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, वो होती है मोलैरिटी। मोलैरिटी को जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, और मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है इसका M इक्वल टू W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय V। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जिस भी चीज़ के पीछे 2 आए, यानी कि W2, M2, ये रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूट को, और जिसके पीछे 1 आए वो रिप्रेजेंट करता है आपका सॉल्यूशन को। तो आइए हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिक करते हैं फटाफट। कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैरिटी फाइंड आउट कीजिए किस सॉल्यूशन की, उस सॉल्यूशन की जिसके अंदर 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिजोल्व हो। कितने सॉल्यूशन के अंदर, 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। आपको एक 250 ml 250 ml का एक सॉल्यूशन दिया हुआ है और उसके अंदर 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड अप कर दिया है। कोई आपसे पूछे कि इसकी कंसंट्रेशन मोलैरिटी की टर्म में निकाल के दिखाइए, तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे M इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय V। आइए जो जो हमें इक्वेशन के अंदर गिवन है हम उसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए इस पूरी इक्वेशन के अंदर आपको सॉल्यूट की क्वांटिटी दी गई है, यानी कि W2 9.8 ग्राम। आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है सॉल्यूट का, सॉल्यूट है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लिखेंगे। आपको पता है हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन का आप अलग अलग एटॉमिक मास निकलना स्टार्ट करेंगे। एटॉमिक मास हाइड्रोजन के केस में, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 आ जाएगा, सल्फर के केस में 32 आ जाएगा, ऑक्सीजन 4 है तो 64 आ जाएगा, तो टोटल बनेगा 98। एक बार फिर से बता देता हूँ, H2SO4 का आप मॉलिकुलर मास निकालेंगे, एक एक एटम का आप उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मॉलिकुलर मास निकाल देंगे, टोटल 98 आ गया। वॉल्यूम आपके पास पूरे के पूरे जो सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम है आपके पास 250। आइए इन सबको ऐड अप करते हैं अपने फार्मूले के अंदर। W2 की वैल्यू 9.8, M2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली 98, 1000 फिक्स है क्योंकि मैं 1 लीटर में निकाल रहा हूँ, करस्पॉन्डिंगली 250। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा 0.4 मोलर। आप इसे 0.4 मोलर लिख सकते हैं या 0.4 m लिख सकते हैं। यहाँ आपका एक टॉपिक, एक कंसेप्ट क्लियर होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी दिए गए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, बहुत सारे आपके पास ऐसे तरीके हैं, ऐसे बहुत सारी आपके पास ये टर्म्स हैं जिनमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सेकंड है मोलैरिटी। फर्स्ट हमने पढ़ा मोलैरिटी, अब हमें पढ़ना है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, सेम एज इट इज़ मोलैरिटी की तरह होती है, बस इसके अंदर एक डिफरेंस आ जाता है। कैसे, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ तक मोलैरिटी की ही डेफिनेशन की तरह ये मिलती है, बट यहाँ डिफरेंस क्या आता है, प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. मोलैरिटी को मैंने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल m से, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से. इसकी यूनिट क्या है? इसकी SI यूनिट है मोलल. उसकी SI यूनिट, मोलैरिटी की SI यूनिट थी बेटे मोलर, इसकी है मोलल. ठीक है, मैथमेटिकली इसके एक्सप्रेशन को देख लेते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोलैरिटी को आप रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से, स्मॉल m से. तो m रिप्रेजेंट किया, m इक्वल टू W2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, डिवाइडेड बाय m2, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट है उसका मोलिकुलर मास कितना है, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय W1. यहाँ ये W क्या है? ये W है आपका दिया हुआ गिवन सॉल्वेंट इन मास की फॉर्म में, kg की फॉर्म में. आइए हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी होगी. कैलकुलेट द मोलैलिटी, मोलैलिटी को फाइंड आउट करें, किसकी? इथेनोइक एसिड की. कैलकुलेट द मोलैलिटी यानी कि स्मॉल m निकालना है ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड डिजोल्ड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन. आइए इस इक्वेशन में देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है. मोलैलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, m लिख दीजिए. फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया, W2 अपॉन m2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय W. यहाँ W2 है क्या? यहाँ W2 है वेट ऑफ सॉल्यूट. तो देखिए आपके यहाँ पे सॉल्यूट क्या दिया गया है, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड. W2 2.5 ग्राम आ जाएगा. W1 है आपका वेट सॉल्वेंट का. सॉल्वेंट यहाँ पर बेंजीन है जो कि 75 ग्राम है. आपको M2 कैलकुलेट कर लेंगे आप इथेनोइक एसिड. जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि मोलिकुलर मास निकालने के लिए आप हर एक एलिमेंट का, हर एक एटम को आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके मोलिकुलर मास से. तो इसको कैलकुलेट करके आया 60 ग्राम पर मोल. फॉर्मूले में पुट कीजिए, 2.575 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 60. ये किसका वेट है? इथेनोइक एसिड का. ये किसका वेट है? बेंजीन जो कि सॉल्वेंट है. ये वैल्यू फिक्स है, ये आपने मोलिकुलर मास की फॉर्म में अभी निकाला है. तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.55 मोलल. आप इसे 0.55 मोलल लिख सकते हैं या फिर 0.55 एम भी लिख सकते हैं. यहाँ तक आपने दो टर्म्स पढ़ ली. आइए अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड टर्म जिसका नाम है नॉर्मेलिटी. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये डील करती है ग्राम इक्विवेलेंट वेट से. ग्राम इक्विवेलेंट वेट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको फाइंड आउट करने के लिए, निकालने के लिए आपको दो एडिशनल टर्म समझनी पड़ती हैं जिनका नाम है एसिडिटी और बेसिसिटी. नॉर्मेलिटी डील करती है ग्राम इक्विवेलेंट वेट से, जिसको आपको फाइंड आउट करने के लिए दो एडिशनल टर्म समझनी पड़ती हैं, एसिडिटी और बेसिसिटी. आइए हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मेलिटी. डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. किसी दिए गए सॉल्यूशन के अंदर जिसकी क्वांटिटी 1 लीटर हो, उसके अंदर ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, उसको रिप्रेजेंट करने वाली यूनिट को बोलते हैं नॉर्मेलिटी. एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट. किसी भी सॉल्यूट का आप वेट निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट की यूनिट में, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, मोलैरिटी को स्मॉल एम से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, कैपिटल एन, और इसकी यूनिट है नॉर्मल. ठीक है, मैंने आप जैसे कि आपको बताया था कि ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो बेसिक टर्म एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में
पता होना चाहिए। यह एक छोटा सा ट्रिक है, एसिडिटी और बेसिसिटी होती क्या है इनको समझने के लिए आप छोटा सा ट्रिक इस्तेमाल कीजिए। यहाँ मैंने बात की एसिडिटी और बेसिसिटी, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि एसिड उन्हें बोलते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है रिप्लेसेबल, और बेसिक उसे बोलते हैं जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होता है रिप्लेसेबल। यहाँ एक छोटी सी ट्रिक है, जब भी मैं बात करूँगा एसिडिटी की तो मैं डील करूँगा इसके अपोजिट। एसिड के अंदर मुझे पता है क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन आयन, मगर मैं इसके अपोजिट की बात करूँगा हाइड्रोक्सिल आयन। एसिडिटी इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन, किसी भी दिए गए कंपाउंड के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन कितने हैं वो डिफाइंड कर देंगे एसिडिटी को। अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा हूं, आप इसके अंदर फाइंड आउट करिए कि इसकी एसिडिटी कितनी है, तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्प्लिट करें Na प्लस प्लस OH, तो आप देखेंगे कि OH की क्वांटिटी कितनी है 1, तो इसकी एसिडिटी बन जाएगी 1। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर आप देखेंगे कि डिस्प्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन कितने हैं, ये हैं 2, तो इसकी एसिडिटी बन जाएगी 2। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड 3, इसके बिल्कुल अपोजिट बेसिसिटी, मैं जानता हूं कि बेस क्या होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, मगर इसके अपोजिट पढ़ना है मुझे। बेसिसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। बेसिसिटी किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी को शो करता है। फॉर एग्जांपल HCl, आपको पता है HCl के अंदर कितने हाइड्रोजन है, 1, तो बेसिसिटी बन जाएगी 1। H2SO4, आपको पता है इसके अंदर हाइड्रोजन आयन कितने हैं, 2। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड 3, तो इस तरह आप एसिडिटी और बेसिसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। एसिडिटी में हम हाइड्रोक्सिल आयन पढ़ते हैं और बेसिसिटी में हम हाइड्रोजन आयन पढ़ते हैं, ठीक है। आप इसको एक ट्रिक से ये भी याद कर सकते हैं कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं बेस को यूज़ करता हूँ और बेस के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं एसिड को पढ़ता हूँ तो बेसिसिटी के अंदर हाइड्रोजन आयन। आइए कैलकुलेट द ग्राम इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देता हूं और एक H2SO4 दे देता हूं, आप इन दोनों के केस में एसिडिटी और बेसिसिटी निकाल लिए, पहले तो मैं ये देखूंगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है क्या, किस नेचर का है। तो देखने से ही पता चल रहा है ये बेसिक नेचर का है, ये एसिडिक नेचर का है, बट मैं रिवर्स पढ़ता हूँ एसिडिटी और बेसिसिटी के केस में जब मुझे ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर है, मगर इसके अंदर प्रेजेंट क्या, OH, यानी कि मैं इसके केस में क्या पढ़ूंगा, एसिडिटी, और H2SO4 जो कि एसिड है इसके अंदर H प्रेजेंट है, मगर मैं इसके केस में क्या पढ़ूंगा, बेसिसिटी। तो जब मैं इसकी एसिडिटी निकाल लूंगा तो एसिडिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन, जो इसकी एसिडिटी है। मोलिकुलर मास जब मैंने इसका कैलकुलेट किया तो मैं मोलिकुलर मास आया 74, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो मोलिकुलर मास आएगा 74। आप इस केस में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन कितने प्रेजेंट है, 2, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे 2, कैलकुलेट करके आया 37। ये 37 क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ग्राम इक्विवेलेंट वेट। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड के केस में आप इसका मोलिकुलर फार्मूला, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मोलिकुलर मास जो मैंने आपको पहले बताया था कि 98 होता है, डिवाइड करेंगे 2। ये कहाँ से आया, क्योंकि इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे आएगा 2। आप ये कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय, ये H है तो क्या बेसिसिटी, आप इसको इसके साथ 98 2 रिजल्ट आया 49, ये 49 क्या है,
ग्राम इक्विवेलेंट वेट। आइए हम अपनी डेफिनेशन के ऊपर चलें। नॉर्मेलिटी में भी मुझे क्या फाइंड आउट करना होता है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट, मगर वो ग्राम इक्विवेलेंट कहाँ प्रेजेंट हो? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसे बोलेंगे नॉर्मेलिटी। देखिए एक न्यूमेरिकल, बड़ा ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। द नॉर्मेलिटी, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिजोल्ड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब। जब भी सेंटीमीटर क्यूब आ जाए तो समझिए वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। आप लोगों को मैथमेटिकली फॉर्मूला आपको ड्रा कर देना है इस तरह, n इज इक्वल टू W2 अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय V। W2 मा वेट ऑफ सॉल्यूट 9.8 ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट वेट सल्फ्यूरिक एसिड, अभी आपने ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाला है कितना होता है 49, ये वैल्यू फिक्स है 1000 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आएगा V4 वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन कितना है 250 आप इसके अंदर डालेंगे और इसको कैलकुलेट करके आया 0.8। मैंने इसकी यूनिट क्या लिखी, n किसकी यूनिट है, नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, n से, और इसकी यूनिट है नॉर्मल। होप सो आज आप लोगों को कराए गए न्यूमेरिकल्स और सारी बेसिक टर्म समझ आई होंगी, और किसी भी तरह की आपकी कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।